दादी बाबा सब कहते हैं, दादी बाबा सब कहते हैं बड़े सुघड़ के बापूजी। घर में जितनी खुशियाँ ली है उसकी जड़ है बाबूजी। नज़र धुंधली और सफ़ेदी, बदन हड्डियों का ढांचा, बच्चे छोड़ गए ये कहकर अब पतझड़ है बाबूजी। लाइनों को सुन के बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आज का ये वीडियो हमारे और आपके बाबूजी के लिए है, फादर्स डे पे। लेकिन इस खूबसूरत से वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे जितने भी रिस्पेक्टिव व्यूवर्स हैं, जिनका साथ और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बना रहता है एज अ फैमिली, उनका मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ। पिता एक ऐसा शब्द है कि बोला जाता है कि हर जगह मदर्स का ही नाम होता है, लेकिन अब आप लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बिग सैल्यूट टू ऑल द फादर्स, जितने भी हैं पूरे आदर और सम्मान के साथ मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। और आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बातें ही होंगी, कुछ भी इसमें मदर के बारे में नहीं होने वाला है। और आशा करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि जिस तरह से ये वीडियो पे मैंने मेहनत की है, या हर जो पहलू है एक पिता होने के, उन सारे पहलुओं को कम शब्दों में आप लोगों को के सामने लाने की कोशिश की है। क्योंकि मैं एक बेटी हूं और एक बेटी होने के नाते इस बात का मुझे एहसास है कि जब भी एक पिता शब्द आपके सामने आता है तो उस पे आपको जब भी बोलना होगा तो ना ही शब्दों की कमी पड़ने वाली है बेटियों के पास, ना किस्सों की और ना ही कहानियों की। क्योंकि अगर मेरे जीवन में इतने सारे इंसिडेंट्स मेरे फादर से रिलेट करके जुड़े हुए हैं तो जरूर आपकी लाइफ में भी होंगे। बताना सिर्फ आप लोगों को इतना है कि जो चीजें मैंने की या मेरे और मेरे फादर के रिलेशन में जो रहा है, क्या वो आप में भी है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सी यादें जुड़ी हैं, सिर्फ उसको दो लाइनों में बोलना चाहूंगी। और शायद स्पेशली मैं बता दूं कि वीडियो बनाने का पर्पस, जो आजकल की यंगस्टर्स हैं, चीजों को समझने में कभी कभी हमारी उम्र निकल जाती है, तो ये सिर्फ उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए और थोड़ा सा उन लोगों का ध्यान उधर अट्रैक्ट करने की, आकर्षित करने की कोशिश की है, जिन रिश्तों को या किसी किसी चीजों को समझने के लिए हमारी उम्र बहुत ज्यादा बीत जाती है, बहुत ज्यादा समय निकल गया होता है। इस बात का एहसास कहीं ना कहीं मुझे हुआ है और वही चीजें मैं इस वीडियो में, कुछ अपनी बातें और कुछ ऐसी बातें जो समाज में हमेशा देखने को मिलती है एक पिता के लिए, वो लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि पसंद आएगी। बचपन में हम आप, सिर्फ मैं ही नहीं, बचपन में हम आप बहुत सारी ऐसी जिद करते हैं कि शायद जिसको पूरा करने के लिए हमारे फादर के पास पैसे नहीं होते, या फिर उस चीज को वो जताते नहीं है कि हाँ हमारे पास है या नहीं है, उस चीज का एहसास नहीं होता। अब वो चाहे रास्ते में बेच रहे 1 रुपए के, तब के टाइम में जब मैं छोटी थी तो 1 रुपए में ही एक बैलून मिल जाता था और कम से कम 1 रुपए में ही 7-8 गोलगप्पे खाने को मिल जाते थे, क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं और चाट समोसा तो बहुत पसंद है, ये आपको भी पता है। लेकिन हमारे फादर्स ने, मुझे तो आज भी याद है कि 8 क्लास पास करने के बाद भी 1 रुपए या 2 रुपए डेली मेरे फादर देते ही थे। मुझे ये नहीं पता था कि वो कहाँ से आता है, क्योंकि सैलरी तो 30 दिन में एक ही बार मिलती है और उसी में से डेली देना, तब में वही अमाउंट बहुत होता था क्योंकि सारे खर्चे घर के देखने हैं, उस चीज का एहसास आज होता है। लेकिन कभी पता नहीं चलने दिया, रोज 1 रुपए 2 रुपए, अब उसमें मैं चाहे टॉफी खा लूं या नमकीन थोड़ी सी लेके खा लूं या फिर गोलगप्पे या और भी चीजें, जो शायद आपने भी की होगी। अगली चीज बताना चाहूंगी कि मुझे आज भी याद है कि जब मैंने 10 पास किया था तो 2 दिन की जिद की थी जिसपे आज बहुत अफसोस हो रहा है, शायद मेरी माँ वीडियो देखेंगी तो सुनेंगी जरूर। आज अफसोस होता है कि तब के समय में मैंने साइकिल से जिद की थी, साइकिल खरीदने की, क्योंकि स्कूल काफी दूर था और चलने में बहुत थकान हो जाती थी, बहुत ज्यादा, तो साइकिल की ही डिमांड की थी फादर से और वो बोलते रहे कि नहीं तुम पास हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, सब होते गया, पास भी हो गए। लेकिन फिर फादर कुछ ना कुछ, अब तब के टाइम में उनके माइंड में क्या चल रहा था वो शायद मैं भी नहीं समझ पाई, क्योंकि फादर कभी कभी क्या होता है ना, हम रिलेशंस हमारे क्यों खराब होते हैं या हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम आपस में बैठ के बात ही नहीं करना चाहते। एक दूसरे के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं हमारे पास, लेकिन शायद हम एक मैच्योरिटी के साथ, एक गंभीरता के साथ अगर सामने बैठ के बात करें तो शायद उसका वो चीजें शायद समझ जाए और समझ में भी आए। तो तब के टाइम में मुझे याद नहीं है प्रॉपर कि 1200 या 1500 की साइकिल
साइकिल लेने के लिए गांव में बहुत दूर जाके काफी किलोमीटर था, जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, वहां से मेरे फादर जो है साइकिल मेरे लिए लेके आए। अब वो 1500 के चाहे 1200 के, लेकर अमाउंट तो तब के टाइम में वही बहुत ज्यादा था। आज समझ में आता है कि 30 दिन में एक ही दिन सैलरी मिलती थी, गवर्नमेंट जॉब थी तो इसलिए रिटायरमेंट तो उनको मिल चुकी थी जब मैं 8 क्लास मैंने पास किया था, सारे खर्चे पेंशन पे ही चलने थे, लेकिन उन्होंने वो जिद पूरी की। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो बाहर पढ़ने जाना है, ये करना है, वो करना है, एक वो जिद। अच्छी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि मैनेज करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन वो जिद भी बाहर जाने की, पढ़ाने की फादर ने कंप्लीट की मेरी, कि हाँ मुझे कंप्यूटर पढ़ना है। या ये आज समझ में आता है कि कैसे मंथली हॉस्टल के 1500 रुपए महीने के वो भेजते थे और ईयरली जो फीस जाती थी वो अलग, कैसे मैनेज किया शायद आज समझ में आता है। उस समय तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, एहसास ही नहीं हुआ। जब बचपन में छोटे थे, छोटी छोटी चीजों के जिद की, खाने पीने की चाहे जो भी, तब भी समझ में नहीं आया। जब महंगी महंगी किताबें लेनी होती थी तो भी शायद उस चीज का एहसास नहीं हुआ, या साइकिल की बात हो गई तब भी एहसास नहीं हुआ। तो यही चीजें हैं कि समय काफी निकल गया होता और हम लोगों को सिर्फ अपनी जिद दिखाई देती है कि हाँ हमें ये चीज चाहिए तो हमें ये चीज चाहिए। हमारे पेरेंट्स, सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने नहीं पूरा किया, शायद आप लोगों के पेरेंट्स ने भी जरूर पूरा किया होगा और उस चीज का एहसास भी नहीं हुआ होगा। आप लोगों के फादर के पास कितने पैसे बचे हैं, कितने नहीं है, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आज हम घर बैठे दुनिया समाज में क्या हो रहा है शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जहां बेटे और बेटियां दोनों की मैं बात कर रही हूं, सिर्फ अपने पिता को परिवार में पैसों से अमीरी या गरीबी जैसे शब्द से तौला जाता है। लेकिन उन बच्चों से, उन यंगस्टर से मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि पिता पैसों से चाहे कितना भी गरीब हो, वो कम पैसे कमा सकता है, दो रोटी की जगह एक रोटी की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन एक पिता की हिम्मत और एक पिता का साहस जितना बड़ा होता है शायद हमें उनको उससे तौलना चाहिए और अपने हिम्मत, भरोसे, विश्वास और साहस के दम पे ही वो हर किसी का एक पेड़ की छांव बनके पालन पोषण करते हैं और हमारे ऊपर एक धूप की आंच भी, आप कह सकते दुख या तकलीफ की, हमें आंच भी नहीं आने देते हैं। याद है आज भी वो दिन कि शायद मेरे पिता ने नहीं, आपके पिता ने भी बेटी को, जैसे कि मैंने बोला कि बेटी के पास बहुत कुछ है पिता के लिए बोलने के लिए, चाहे वो बचपन से लेकर पढ़ाई तक का सफर हो, और जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो ये चिंता पिता की सबसे पहले बनती है कि वो कैसे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर और एक अच्छा घर खोजे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बेटी एक अलग रास्ते पे चल रही है, पिता जो है शादी अलग खोज रहे हैं और बेटी के जीवन में कोई एक ऐसा आता है जो उसके लिए अपने पिता का मान सम्मान अभिमान सब कुछ खो बैठते हैं। तो बहुत कुछ कहना है इस वीडियो में, कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश की है, पर बस सिर्फ पिता की जो फीलिंग्स है, पिता जो एहसास करते हैं उनको, उन एहसासों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। मेरे पिता भी मेरी शादी के लिए पता नहीं अनगिनत दरवाजों पे गए, शादियां खोजी और बहुत जगह से पीछे भी हट गए। कारण बहुत सारे थे, कहीं है कि आपका भी होगा कि अगर बेटी किसी की लंबी है, हाइट वाइट अच्छी है, तो जब पिता शादी के लिए निकलता है घर से तो वो सोचता है कि हाँ लड़का थोड़ा लंबा होना चाहिए, मेरी बेटी जैसा जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए, ये आता है। दूसरी चीज कि चलो दहेज में कुछ ना कुछ तो, दहेज की प्रथा तो ऐसी है। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि यंगस्टर्स अगर सुन रहे हैं तो इस फादर्स डे कम से कम ये इनिशिएटिव जरूर लें कि ये दहेज लेने का, पैसे देने का, अगर पिता अपनी खुशी से कुछ भी देता है तो ठीक है, लेकिन ये जो कैश देना, सामान देना, इन चीजों के लिए जरूर एक इनिशिएटिव लें कि हाँ इन सारी चीजों को अब डिनाई करना है, समाज से बिल्कुल एलिमिनेट करना है। क्योंकि दहेज देते समय एक पिता की आत्मा पे कितना बड़ा बोझ होता है, इस बात को एक बेटी समझ सकती है, उसे मुझे इस वीडियो के जरिए बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई, हर इंसान समझ सकता है। तो ये मेरा मैसेज रहेगा कि इस फादर्स डे एक ऐसा गिफ्ट तो हम लोग फादर्स को दे सकते हैं कि उनके दिल पे ये बोझा ना रहे कि
कि बेटियां बड़ी हो रही हैं, उन्हें 10 दरवाजे पे जाना हो, और कभी कभी अच्छा रिश्ता है तो पैसों की वजह से पीछे हट जाना, और कभी कभी बहुत से तमाम केसेस होते हैं जब एक पिता निकलता है बेटी की शादी के लिए। आज भी दिन याद है कि कैसे कैसे मेरे पिताजी ने शादी की, पैसों का इंतजाम करना, सब कुछ करना। अब कभी कभी याद आती है तो वो सारे फ्लैशबैक होते रहते हैं। आज भी याद है कि जब विदाई के समय उनका हाथ सिर्फ इतना टाइट से मैंने पकड़ा हुआ था कि छोड़ते हुए जैसा लग रहा था कि पूरी दुनिया ही अब छूट के जा रही है। एक इंसिडेंस और बताऊंगी कि जब शादी के कुछ टाइम के बाद मेरे फादर मेरे से मिलने आए, आप लोगों के फादर्स भी हर जगह ये रिवाज होता होगा, आए और जब जैसे ही वो बेड पे बैठे और मेरा सिर उनके गोद में था और गोद में रख के मैं, मतलब जितना मेरा था, जितना मैं रो सकती थी उतना मैं रोई। और जबकि मेरे इन लॉ को लगा कि लग रहा है इसको तकलीफ है, ये क्यों रो रही है। बाद में मुझे समझाया भी कि मेरे इन लॉ ने, ससुर ने मेरे, बच्ची तुम इतना रोओगी तो तुम्हारे पिता को लगेगा कि हम लोग तुमको दुख दे रहे हैं। तो ये है पिता, ये है पिता का एहसास। लेकिन कैसा लगता है कि कभी कभी आप, एक कोटेशन मैं पढ़ रही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं शेयर करना चाहूंगी, और जो होता भी है आज के टाइम में, होता भी है बहुत जगहों पे, more than 50%, कि कभी कभी बच्चे बड़े होके, कभी कभी बच्चे बड़े होके पिता से उनकी वसीयत पूछते हैं, पिता से उनकी वसीयत पूछते हैं। और जो रिश्तेदार हैं उनका तो पूछिए मत, जो रिश्तेदार हैं उनकी तो बात ही मत करिए, उनका पूछिए मत कि वो आपकी हैसियत देखते हैं कि आपके पिता की हैसियत क्या है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि बच्चे वसीयत पूछते हैं, रिश्तेदार हैसियत पूछते हैं। बस लास्ट मोमेंट में, जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ ऐसे लोग जीवन से जुड़े होते हैं एक पिता की, जो उनकी खैरियत पूछते हैं। इन लाइनों में मुझे बहुत ही सच्चाई लगी, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। इस बात का एहसास बिल्कुल यंगस्टर्स को होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए कि पिता उनके लिए क्या है। बहुत जगह ये भी चीजें होती है कि जैसे मैंने कहा कि 10th क्लास में मैंने फादर से साइकिल की डिमांड की, 2 दिन बाद उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे पैसे की प्रॉब्लम है या मैं ले नहीं सकता। बस मेरा रोना देखा कि नहीं, अब रो रही है तो देना है तो देना है, तो 2 दिन बाद वो खरीद के लेके आए। लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरे फादर को मुझसे बोलना चाहिए था कि हाँ रेनू, लेकिन शायद उन्होंने बोला भी होता तो शायद उस उम्र में शायद मेरा बचपना रहा हो, या मैं समझ नहीं पाई होती, चाहे जो भी है। तो ये शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग उस एज में हैं तो ज़रूर अपने फादर से बैठ के बात करें। अक्सर घरों में होता है कि मीडियम जो बनती हैं वो मदर्स बनती हैं। बच्चों के और फादर के बीच का जो कनेक्शन होता है, कभी कभी वो कंफर्टेबल नहीं होते बात करने में। अभिगम के साथ भी है ऐसा, जिसमें मैं लगी हुई हूँ कि वो कंफर्टेबल फील करे अपने फादर से भी। कुछ भी होता है तो वो मुझी को बोलता है कि हाँ मम पापा को बोलिए, हाँ मम पापा को बोलिए। मतलब मेरे से ज़्यादा वो कंफर्टेबल है अपनी बातों को रखने के लिए और बातों को शेयर करने के लिए। हालांकि प्यार तो पापा भी करते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है, मैंने फील किया है कि हर जगह ये जो मम्मी लोग हैं मीडियम बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं से ये भी एक आ जाता है, दूरी आ जाती है। तो ज़रूर फादर से बैठ के बात करना चाहिए। फादर्स नहीं कर रहे हैं तो आप करिए। फादर का काम बाकी जो बाहरी जिम्मेदारियों का बोझ तो है ही, लेकिन ज़रूर मुझे लगता है कि घड़ी देख के 5 मिनट या 10 मिनट भी आप अपने फादर के पास जाएंगे तो ज़रूर वो आपसे बात करेंगे। क्योंकि बात करना वो हर रिलेशन में, सिर्फ फादर और बच्चों के बीच की बात नहीं है, हर रिलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानसिक उलझन लेने से अच्छा है। इसके बाद मैं बात करूंगी फादर के एक और अलग रूप के बारे में, जिसको आपको बिल्कुल जानना चाहिए। हम लोग एहसास नहीं कर पाते, लेकिन कभी कभी फादर्स की लाइफ पे, जैसा कि सोनारा डॉट की पेरेंटिंग अकेले उनके फादर विलियम ने की, तो आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे फादर हैं, और बहुत ही सम्मानजनक रिस्पेक्ट के साथ मैं सैल्यूट करूंगी ऐसे फादर्स का, जिन्होंने सिंगल पेरेंटिंग करके उन लोगों ने जीवन में क्या देखा, कैसे पालन पोषण किया। इस चीज को मैं इस वीडियो के जरिए नाम मैं नहीं बता पाऊंगी, शब्द ही नहीं है, और शायद वो एहसास भी नहीं है कहीं ना कहीं से कि किस परिस्थिति से गुजर के अकेले उन्होंने उस बच्चे को पाला पोसा और बड़ा किया। और बड़े हो के बच्चों की हालत मत पूछिए कि क्या व्यवहार है अपने पिता के साथ। लास्ट में एक कहानी भी सुनाऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। पूरी कोशिश की है कि पिता के हर पहलू को आपके सामने रखूं।
कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल में खबर ये आती है कि बच्चा तो ठीक ठाक है लेकिन हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। बच्चा ठीक है, माँ नहीं बच पाई। उस समय उस पिता पे क्या मतलब आंसू नहीं आते हैं? कुछ तो ऐसा है कि फादर्स खुलकर रोते नहीं है, क्या है ये साइकोलॉजी मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि आज भी याद है जब मेरे इन लॉ गुजरे थे, मेरे ससुर जी की जब डेथ हुई हार्ट अटैक से, तो और ये बात मैं इसलिए अभी परसों की बात है जब अभिकम ने ये बातें मुझसे कही, कुछ ऐसी बातें चल रही थी फ्री टाइम में, मैं उससे बात करती हूँ कभी आगे की कभी पीछे की, उसका मन भी लगता है। तो उसने ऐसे ही कहा कि मॉम पापा को याद नहीं आती क्या दादी की या किसी की? मम्मी है मेरी, इन लॉ नहीं है, ससुर नहीं है, तो उसने कि दादी को हम लोग बुला लेते हैं या दादी को याद नहीं करते पापा। तो तब मैंने ये चीज़ें उसको शेयर की, मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, पापा दिखाते नहीं हैं लेकिन दादी एक बार जिस दिन कुछ भी बोलेगी इतना जान लो कि कैसे भी करके पापा खड़े हो जाने हैं दादी के सामने। और ये सच भी है। और यही चीज़ हुई थी जब ये इंसिडेंस हुआ मेरे इन लॉ के साथ, सडन उनको हार्ट अटैक आया, तो मेरे हस्बैंड के आंख में एक भी आंसू नहीं था। और ऐसे बहुत से फादर्स होंगे जो बहुत सी ऐसी सिचुएशन, और मेरे ससुर जी का मेरे हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है मैं बता नहीं सकती हूँ, कि ऑफिस की हर बातें, जब मैं गांव में भी मैंने समय गुजारा है अपने सास ससुर के साथ, तो मुझे याद है आज भी कि मेरे हस्बैंड घंटों बात करते थे अपने फादर से, बिजनेस में क्या हुआ, नया बिजनेस कौन सा लेना है, आगे क्या करना है, सारी बातें शेयर करते थे। और सिर्फ एक घंटा, हालांकि मेरे से बातें नहीं होती थी लेकिन मुझे खुश, मुझे प्राउड लगता था कि नहीं मेरे हस्बैंड जो है इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हर बातों को शेयर कर रहे हैं, तो वो मुझे प्राउड फील कराती थी, जो एक तरह से मेरा ड्रीम भी था आप बोल सकते हैं। शायद मैं खुद खोजने निकलती तो नहीं मिलते मुझे, लेकिन मेरे सच में मेरे फादर ने मुझे एक बहुत कीमती गिफ्ट दिया है जीवन का, एक समझदार इंसान मेरे जीवन में है। तो उन्होंने क्या किया कि जब चार लोग, गांव में ऐसा होता होगा, गांव में अगर आप लोग भी जाते हर किसी का घर होता है, गांव में मेरा भी घर है, तो जब चार लोग अगल बगल के आके बैठते थे ना, तो मेरे ससुर जी बहुत प्राउडली बोलते थे कि आज मेरे बेटे का फोन आया था, अरे सब बताता है, बिना बताए कुछ कर नहीं सकता है, नया काम मिलेगा तो पहले मुझे फोन करेगा उसके बाद। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमें प्राउड फील कराती है, और जब हम सुनते हैं तो कभी कभी हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं, दुख के नहीं खुशी के आंसू। तो शायद हर बेटे को ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगली चीज में जो सिंगल पेरेंटिंग की बात कर रही थी, कि जो हम लोग को एहसास नहीं होता कि वो पिता अकेले पत्नी की डेथ के बाद, माँ की डेथ के बाद, वो बच्चे को कैसे बड़ा करता है, एक पहलू ये है। दूसरा ये पहलू है जो सामाजिक तौर पे मैंने बोला, जो आपने देखा होगा या आपकी कॉलोनी में या मोहल्ले में, बिल्डिंग में, जहाँ भी आप रहते हैं, आस पड़ोस, गांव, शहर, आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, कभी कभी एक समय के बाद पति पत्नी का रिलेशन ऐसा हो जाता है कि वो तलाक के कगार पे आ जाता है। तलाक के बाद सिचुएशन ये हो जाती है कि अगर बीच में बच्चा आ चुका है, तो जो हमारा लॉ, जो कानून बना हुआ है उसकी भी बात करूंगी, और जो लड़की की फैमिली है उसकी भी बात करूंगी। उन लोगों का दबाव और उन लोगों का सपोर्ट हर तरह से मदर के साइड ही रहता है। और बहुत हद तक ऐसा होता है कि आफ्टर ये तलाक के बाद भी बच्चा माँ के साथ रहता है। तो यहाँ पे आप क्या कहिएगा, क्या पिता का लगाव उसके बच्चे से नहीं, वो पिता अब आगे कैसे रहेगा? इस बात को जरूर कमेंट के जरिए आप लोग शेयर करिएगा। उस पिता को एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि नेगलेक्ट जैसा वर्ड यहाँ पे मैं यूज करूंगी, नेगलेक्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल से इग्नोर कर दिया जाता है। एक पिता का वो भी एक सफर जो वो तय करता है, एक पिता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो सही रहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन पारिवारिक इन लॉज को लेके, देवर देवरानियों को लेके, बहुत सी पारिवारिक स्थिति ऐसी बनती है कि वहाँ पे पति पत्नी को अलग होना पड़ता है परिवार की वजह से। अब वहाँ बेटा ये सोचता है कि मैं परिवार को बोलूँ तो पत्नी नाराज, पत्नी को बोलूँ तो परिवार नाराज। और अगर बेटा बहुत ही समझदार है तो वो परिवार को ही सबसे पहले सामने रखता है, भले वो पत्नी को मन में आ जाएगा कि मतलब ये हमको, मेरा नहीं सुन रहे हैं, इन्हीं के भरोसे शादी हुई है, बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें हैं
क्या क्या बोलूं वीडियो में, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, शायद बहुत समझदार हैं आप लोग खुद। ये स्थिति बनती है तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी होती है कि लड़की के माता पिता, लड़का तैयार हो जाता है कि हाँ ठीक है, अगर मेरी वाइफ की वजह से प्रॉब्लम है तो वाइफ को हम लोग छोड़ देते हैं, परिवार एग्री भी हो जाता है, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि जो बच्चा है उस पर क्या असर करेगा। लास्ट में कभी कभी सिचुएशन रिजल्ट ये निकलता है कि माँ बच्चे को लेके चली जाती है और उसके बाद पिता वहां पे अकेले रह जाता है और उसको पूछने वाला कोई नहीं रह जाता। अब वो अपने दिमाग की कश्मकश, जो दिमाग की लड़ाई होती है, वो कैसे उससे निपटता है, ना किसी को उसके आंसू दिखते हैं, ना वो दिखाता है और ना ही अपनी फीलिंग्स को एक पिता होने के नाते वो बताता है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ तो साइकोलॉजी ऐसी जरूर है कि ये जो मेल हैं वो शेयर नहीं करते अपनी बातों को या फिर अपनी तकलीफों को या फिर अपने इमोशंस को। ऐसा नहीं है कि उन्हें तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता, शेयर नहीं करते, ऐसा है। एट द एंड वीडियो के तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं कि एक पिता को समझने की कितनी जरूरत है। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। उसके बाद वीडियो के एट द एंड ये बोलूंगी कि नंबर ऑफ मिस्टेक, चाहे मिलियंस में हो चाहे लाखों में हो, इतनी सारी गलतियां बचपन से लेके बड़े होने तक, यंग होने तक, हम इतनी अनगिनत गलतियां, चाहे अपनी डिमांड्स को लेके, पूरा करने को लेके, या बहुत सी ऐसी चीजें, एक्टिविटीज अपनी लाइफ में हम कर गुजरते हैं जिसके लिए हम, आगे मैं क्या बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि पिता कितना उस चीज को सफर करता है, उसे शब्दों में हम लोग शायद बोल नहीं सकते हैं। कहानी का एंड एक कहानी के साथ इस वीडियो का एंड करूंगी। एक पिता होते हैं, कम से कम 70-80 की उम्र हो जाती है उनकी, उनका एक बेटा होता है, सिर्फ एक ही बेटा होता है। पहले तो इंडिया में ही नौकरी चल रही होती है, परिवार हंसी खुशी के साथ रह रहे होते हैं, एक ही बच्चा होता है और वाइफ रहती है, माँ नहीं रहती, माँ गुजर गई होती है, पिता नहीं पाला पोसा बड़ा किया होता है। कुछ दिन नौकरी के बाद अचानक से उसको ऑफर मिलता है फॉरेन जाने का। बहुत संकोचते, बहुत सुखी फैमिली थी, बेटे बहू आपस में बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं रिलेशन में कि हमारा ध्यान उधर नहीं जाता और उसको समझने के लिए हमारी उम्र निकल जाती है और लास्ट में कुछ नहीं बचता सिवाय सॉरी या पछतावा के, या सॉरी कहने के भी लिए। ये कोविड की सिचुएशन तो ऐसी है कि हमारे पिता, कितने लोगों ने अपने पिता को खोया और सॉरी कहने के लिए हमारे पास हमारे पिता है ही नहीं। तो जब उसे बाहर से कैसे कैसे दोनों हस्बैंड वाइफ बात करके, हिम्मत करके जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, जब खाना खा रहे होते हैं सब लोग, खाना नजदीक ही होने वाला होता है, तो वो बात करते हैं डरते डरते कि पापा ऐसे ऐसे मुझे ऑफर मिला है, मैं क्या करूं। तो फादर तो बिल्कुल खुश हो गए, क्योंकि ये बात आप भी मानते हैं कि अगर आप सक्सेस हो रहे हैं लाइफ में तो पूरी दुनिया में सिर्फ आपके फादर से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। एक फादर ही है जो आपको आपसे ज्यादा सक्सेस, जितना आप सक्सेस होंगे उतना उसको अच्छा लगेगा। बाकी तो हर जगह कंपटीशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब इस ऑफर का पता चला तो फादर तुरंत बोलते हैं, तुम इंतजाम करो और तुम तुरंत जाओ, इतना अच्छा ऑफर हम कैसे ठुकरा सकते हैं। तो जब पूजा, फादर आप भी चलिए हमारे साथ। लेकिन उस फादर के मन में उस एज में ये लगा कि मैं कहाँ जाऊंगा, अंदर ही वो अपने आप से बात करता हूँ कि मैं बोझा बन जाऊंगा, मैं यही रहता हूँ। लास्ट में वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है पापा, मैं एक साल के बाद आऊंगा, आपको ले जाऊंगा। और फादर अपनी तरफ से बोलते हैं कि ठीक है, तब तक मुझे ओल्ड एज होम में आप रख दो। ओल्ड एज होम में वो रख देते हैं। उसके बाद ये लोग, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी, खुशी खुशी ये सारे काम हुए थे, एक साल नहीं 2 साल बीतने के बाद जब बेटा उन्हें वापस लेने आता है एयरपोर्ट से, जब कार में हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे रहते हैं तो आपस में बात करते हैं कि शायद बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हम लोगों से, हम लोगों को पापा को 1 साल का समय दिया था और हम लोग 2 साल बाद आ रहे हैं, और सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हम लोगों को उस समय पापा की कोई बात नहीं सुननी चाहिए थी, हम लोगों को अपने फादर को साथ में लेके जाना था, क्योंकि कार में जाते समय सड़कों पे बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए, कोई बच्चा स्कूटर पे अपने बच्चे के पीछे बैठा,
पीछे बिठाया हुआ है, कोई फादर बच्चे को स्कूल ले जा रहा है, कोई फादर अपने बच्चे को बैलून दिला रहा है, कोई अपने फादर को कुछ खिला रहा है, तो वो सारी चीज़ें ना विजन्स उस बेटे के सामने आने लगे कि इतना कुछ मेरे फादर ने किया और मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, सिर्फ पछता रहा था। जैसे ही वो ओल्ड एज होम पे कदम रखते हैं तो उनको खबर मिलती है कि सडन हार्ट अटैक से, उस दिन उनके फादर खुश भी बहुत थे कि आज मेरा बेटा ज़रूर आएगा मुझे लेने, और जैसे ही ये पहुंचते हैं और फादर की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से, कुछ नहीं बचता लास्ट में सिवाय रोने के उनके पैर पकड़ के। तो ऐसी गलती किसी और से ना हो, इस बिग मैसेज के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। और एक फादर की वैल्यू क्या होती है, ज़रूर उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और रेनु अविकम चैनल के साथ बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी कि कुछ ना कुछ आप लोगों की तरह इस आप लोगों के लिए कुछ इंस्पायरिंग, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लेके आती रहूँ, और वो चीज़ें जो हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए भी यूजफुल हो, सुनने लायक हो पूरे परिवार के साथ। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।